अपना स्क्रीन का क्वेश्चन, और जिस तरह आपको पता है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सवा नंबर इसका 43 है बुक पे। तो ये हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, बताया गया है कि एक इंजन को हमने टेस्ट किया और टेस्ट के दौरान जो वैल्यूज हैं इंजन की वो ये हैं। तो बताइए कि इसकी इंडिकेटेड पावर क्या होगी। तो इसमें कह रहा है कि PM मीन इफेक्टिव प्रेशर एट कवर एंड। अगर आपको कवर एंड और क्रैंक एंड पर प्रेशर का नहीं पता, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इधर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल से बताया है कि कवर एंड क्या होता है और क्रैक एंड क्या होता है। तो कह रहा है कि कवर एंड पर प्रेशर जो है 0.115 मेगा पास्कल है। तो आपको पता है हमने ऐसा यूनिट्स में इसमें कन्वर्जन करनी है, तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000,000 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 11,500। ठीक है, तो इसको भी सिंपल ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,10,000 के साथ, तो ये आ गया हमारा 1,70,000। ये आ गया हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक हो गया, सिलेंडर डायमीटर हमारा सेंटीमीटर में है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल तकसीम 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.21 मीटर। ठीक हो गया, और पिस्टन रॉड डायमीटर हमारा जो पिस्टन रॉड है, ये भी मैंने बताया है कि उधर इसका डायमीटर क्या होता है और क्या कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर में कन्वर्ट किया, तकसीम 100 किया, तो ये आ गया हमारे पास 0.037 मीटर। आरपीएम है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तकसीम 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.30 मीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको जैसा कि पता है दो प्रेशर दिए गए हैं, और हमने इस सवाल में दो आईपीस मालूम करनी है, एक इस प्रेशर से और एक इस प्रेशर से। तो पहले हम इस प्रेशर से जो कवर एंड पर अप्लाई हो रहा है, इस प्रेशर से हम अपनी आईपी मालूम करेंगे। तो ये आईपी होगी आईपी एट कवर एंड। तो इसमें पीएम की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पीएम की वैल्यू हमारे पास 11,500 मल्टीप्लाई बाय एल है हमारे पास 0.30 मल्टीप्लाई बाय एरिया, वो निकाला है हमने वही पाई डी स्क्वायर और 4 के फार्मूला से, पॉइंट आ गया हमारे पास 0.36 मल्टीप्लाई एन है हमारे पास, ये आरपीएम 120 आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई 60 कर दिया, तो जब इनको हमने हल किया तो ये आ गया हमारे पास 25.4। ये हमारी आ गई वाट्स में, और याद रहे कि ये हमारा सिंगल एक्टिंग के लिए, और हमारा जो इंजन है ये बताया गया स्टेटमेंट में, इधर मैंने नहीं लिखा, बताया गया कि डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग के लिए मालूम करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50.8। इंडिकेटेड पावर आ गई हमारे कवर एंड पर हमारी इंडिकेटेड पावर। अब हमने मालूम करनी है क्रैंक एंड पर हमारी इंडिकेटेड पावर। दोस्तों नंबर दो पे हमने अपनी आईपी मालूम करनी है क्रैंक एंड के ऊपर, इस प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए हमने आईपी मालूम करनी है क्रैंक एंड के ऊपर। तो अब देखिए हमारे पास ये चीज भी है, हमारा मीन फैक्टर प्रेशर, लेंथ ऑफ स्ट्रोक वही हमने डालनी है ये वाली, और एरिया जो है ये वही हमने नहीं डालना जो यहाँ पे अप्लाई किया था। तो यहाँ पे जो हमने अपना एरिया अप्लाई किया था ये हमारा कवर एंड की तरफ का एरिया था, लेकिन इस फार्मूला में हमने जो अपना एरिया अप्लाई करना है ये क्रैंक एंड की तरफ का एरिया होगा हमारा। तो उस एरिया को कैसे फाइंड करना है, हमने सिलेंडर एरिया क्रैंक एंड को हम मालूम कर सकते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस पिस्टन रॉड एरिया। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमने ये मालूम किया था, जो इधर हमने ये एरिया रखा था ये वाला, ठीक है। पिस्टन रॉड का एरिया हमने इस पिस्टन रॉड के डायमीटर से मालूम करना है, तो फार्मूला वही है पाई डी स्क्वायर बटा 4, तो 3.14 पाई कीमत मल्टीप्लाई बाय 0.037 का स्क्वायर, ये वाला जो डायमीटर है ये इधर आके, तो इसको जब हल किया तो ये आया 0.001 मुरब्बा मीटर, तो ये आ गया 0.001 मुरब्बा मीटर। तो ये हमारा पिस्टन रॉड का एरिया आ गया, ये हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर, जब इनको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 0.003
मुरब्बा मीटर ठीक है। तो ये एरिया हम इधर पुट करेंगे हमारी इस वैल्यू में। पीएम की कीमत है हमारे पास 170,000, मल्टीप्लाई है हमारे एल की कीमत है 0.30, मल्टीप्लाई एरिया हमारा ये वाला 0.35, मल्टीप्लाई हमारे आरपीएम जो है 120 आरपीएम है बटा 60 हमारी। और जब इसको हल किया तो ये आ गया हमारे पास 36.29.5 वाट। डबल एक्टिंग के लिए इसको भी डबल एक्टिंग के लिए दो के साथ जरब देंगे तो ये आ जाएगा 72.59, ये आ गया हमारे वाट्स में। अब हमारे पास क्रैंक एंड पे हमारी आईपी मालूम है और कवर एंड पे हमारी आईपी मालूम है। अब अगर हमने टोटल हमारी आईपी मालूम करनी है तो सिंपल इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारी टोटल आईपी आ जाएगी। और अगर आपको उसको किलोवाट में करना चाहते हैं तकसीम 1000 कर दें तो वो हमारी जो है आईपी किलोवाट में आ जाएगी। अगर आपको इस सवाल की समझ नहीं आई तो पिछला जो क्वेश्चन इसी कैटेगरी का मैंने किया था वो एक प्रॉपर डायग्राम बना के पूरी तफसील के साथ मैंने वो समझाया था तो वो समझ भी आया था। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ वो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।